आज हम जानेंगे 1 और 2 मार्च का मौसम अपडेट। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में अब गर्मी ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब ठंड के नाम पर बस सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। दिन में बाहर निकलने पर धूप चुभने लगी है और शाम होते होते घर के अंदर भी लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। बता दें कि पिछले दिनों ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिसके कारण मौसम में अभी भी नमी बनी हुई है, जिसके कारण प्रदेश के उन हिस्सों में ठंड का असर है जहाँ बारिश हुई है। अन्य क्षेत्र में मौसम शुष्क बने रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार मौसम शुष्क बने रहने की बात कही गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट को माने तो प्रदेश भर में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव जारी है। पश्चिमी हवा के प्रभाव के कारण गर्मी का प्रभाव अब बढ़ने लगा है। विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो आइए अब जान लेते हैं 1 मार्च और 2 मार्च का तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 1 मार्च का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 2 मार्च का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात करें तो इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 1 मार्च का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 2 मार्च का अधिकतम तापमान जो है वह 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 1 मार्च का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि 2 मार्च का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 1 मार्च का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि 2 मार्च का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 1 मार्च का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 2 मार्च का अधिकतम तापमान जो है 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 1 मार्च का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 2 मार्च के अधिकतम तापमान को देखें तो 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। ये थे बिहार के मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।